मंगलवार को समारंभ संस्था द्वारा रक्षाबंधन पर एक विशेष कार्यक्रम खलीनी में आयोजित किया गया। इस दौरान समारंभ संस्था द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा एवं राष्ट्रीय रेड क्रॉस प्रबंधन समिति की सदस्य डॉक्टर साधना ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने जहाँ इस कार्यक्रम के आयोजकों की सराहना की तो वहीं सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान आयोजक शीतल व्यास ने भी अपने विचार मीडिया से साझा किए। और आज जो हमारा कार्यक्रम है वो है एक वन महोत्सव के साथ साथ आज जो हम बहनें समारंभ संस्था के माध्यम से यहाँ पे एकत्रित हुई हैं, आज क्योंकि अभी दो दिन बाद रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है और हमने देखा है कि पूरे भारत देश में जो हमारी बहनें हैं वो अपने भाई के साथ साथ या तो जो सरहद पर जो फौजी भाई हमारी रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, या जो हमारे पुलिस के जवान हैं और इसी तरह से जो विभिन्न सेनाओं में और जो जवान होते हैं हम उनको राखियां बांधकर इस राखी के पर्व को मनाते हैं। पर आज हम अपनी संस्था के माध्यम से एक अनूठी तरह से रक्षाबंधन का पर्व मनाने को यहाँ एकत्रित हुई थी, जिसके चलते हमने यहाँ पे पौधारोपण किया और साथ में ही हर बहन ने जो यहाँ पर नए पौधे लगाए गए हैं और जो पुराने पेड़ और जो नए जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको हमने रक्षा सूत्र बांधकर एक प्रण लिया है कि भविष्य में हम लोग इन जो पेड़ों की इन पौधों की रक्षा करेंगी। और जिस तरह से भाई अपनी बहन की रक्षा करने की सौगंध खाता है, आज हम सभी बहनों ने यह प्रण लिया है कि हम जो यहाँ पे पौधे लगाए जाते हैं भविष्य में सिर्फ हम पौधे लगाएंगे ही नहीं पर जो लगे हुए पौधे हैं उनका भी संरक्षण करेंगे। और हमने आज सभी बहनों ने जिसमें हर वर्ग की हर उम्र की बहन यहाँ पे उपस्थित हुई हैं उनके साथ मिलकर हमने आज ये रक्षाबंधन का पर्व और वन महोत्सव मनाया है। मैं आज इस समारंभ संस्था के द्वारा आज यहाँ खलीनी के इस वाटिका में जो पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है उसके लिए बहुत बहुत इसी संस्था को और बाकी यहाँ से सभी जुड़ी हुई सभी मातृशक्ति को मैं वंदन और नमन करती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही शुभ कार्य है। अभी हमने पिछले 4 तारीख को थुनाग में भी राज्य रेडक्रॉस के द्वारा पूरे प्रदेश भर में एक मुहिम चलाई थी कि प्लांटेशन ड्राइव करेंगे। इस बार हर वर्ष हमारा एक प्लांटेशन ड्राइव तो रहता ही है, परंतु इस बार जो हमारा प्लांटेशन ड्राइव के साथ मुख्य रूप से उनका संरक्षण करना, हमने पौधा लगा दिया पर उस पौधे को एक अपने बच्चे के रूप में पालकर बड़ा करना ताकि आने वाली पीढ़ी को हम एक स्वस्थ और सुंदर एक वातावरण दे पाएं और ये भावना हम बच्चों तक पहुंचा पाने में सक्षम हो पाएं, इस तरह की हमने मुहिम रखी है। इसलिए उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये संस्था भी इस तरह से कार्य कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में हम पर्यावरण को एक अच्छा सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बहुत ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।